Hello, my dear students. Welcome back to Balaji Online Classes. I am Sadia Khatun, and today I'll be teaching you mathematics of class 6th. I'll be teaching chapter number 10 of your textbook, which is mensuration. In mathematics, when we study about mensuration, it means we are going to study about perimeter, about area, volume. These all concepts come under the category of mensuration, come under the unit mensuration. So let's study about these two terms, perimeter and area, as you have already studied in your previous classes. Let's have a recall. Perimeter means the boundary of any closed figure. Tick. Agar iska perimeter nikalna hai, for example, this is 3 cm, this is 4 cm, 3 cm, 4 cm. It means you have to add the sides. 3 plus 4 plus 3 plus 4, and what you will get? 14 cm. But आप तो सोच रहे होंगे कि हमें इसका तो ऑलरेडी पता हुआ है, एक फॉर्मूला हमें बना कर दे दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल याद होगा, आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी याद होगा, बट समटाइम्स यू मे गेट एनी स्पेशल टाइप ऑफ शेप विच मे नॉट बी अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर और अ ट्रायंगल. आपको कुछ ऐसा शेप मिल गया जो इस टाइप का है, तो आपको याद क्या रखना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि सब सारी साइड्स अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक, तो हमें मिल जाता है पेरीमीटर. सो इफ दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है, जस्ट एड अप ऑल द साइड्स. साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 3 + 3 + 3 + 2 + 6 + 5 एंड राइट सेंटीमीटर. व्हाट वी विल गेट, 9, 10, 11, 11 + 6, 11 + 11 = 22. डू रिमेंबर, पेरीमीटर में हम लोग वही यूनिट लगा देते हैं जो, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, मीटर है तो मीटर लगा देंगे. एरिया में हमेशा स्क्वायर यूनिट्स लगती हैं. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर्स, कि अगर आपको किसी भी टाइप का शेप दिया गया है, कितना भी कॉम्प्लेक्स या टिपिकल आपको दे दिया गया है, यू जस्ट हैव टू, आप एक एंड से स्टार्ट करिए, सारे साइड्स जितने लाइन सेगमेंट से वो बना हुआ है उन सबको एड अप कर दीजिए, यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दैट शेप. Now let's study about the regular shaped polygons. What does regular shape means? It means that all the sides in that polygon are equal, all the angles are equal. Like if I take a triangle and all the sides in a triangle are equal, which kind of a triangle will it be? It will be an equilateral triangle. Like this. If I take a quadrilateral has 4 sides. And if all the sides of that quadrilateral are equal and all the angles are also equal, what it will be? It will be a square. Similarly, you can, a 5-sided regular polygon will be a pentagon, like this. Similarly, you can make a hexagon. Now, if you have to calculate the perimeter of these regular, मतलब regular का मतलब है कि सारे sides इसमें equal हूँ, ठीक? तो अगर सपोज यहां पर ये है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, 3 + 3 + 3. इफ इट इज 2 सेंटीमीटर, तो 2 + 2 + 2 + 2. इन शॉर्ट वी कैन से कि हम इससे एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. व्हाट, एंड दैट इज कि पेरीमीटर ऑफ एनी रेगुलर शेप्ड पॉलीगन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ लेंथ ऑफ वन साइड. आप कोई भी जो भी लेंथ दिया गया है, लेंथ ऑफ ईच साइड या वन साइड आप लिख सकते हैं. इट मींस कि अगर एक हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा पेरीमीटर का फॉर्मूला 3 × साइड, जो भी साइड लेंथ आपको दी गई. इन केस ऑफ अ स्क्वायर इट विल बी 4 × साइड. इन केस ऑफ अ पेंटागन इट विल बी 5 × साइड. इन केस ऑफ अ हेक्सागन इट विल बी 6 × साइड. इसी तरह आपको कितने भी साइड का दे दिया जाए, आपसे आगे हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन दे दिया जाए, या फिर आपसे कह दिया जाए कि 20-sided पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर वर्ड जरूरी है, ठीक है, बिकॉज रेगुलर होगा तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नो. एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट एरिया. एरिया अभी आपने देखा होगा कि आपने इन योर प्रीवियस क्लासेस आपने एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा है, आपने उसका फॉर्मूला भी पढ़ा है. एरिया ऑफ स्क्वायर we write it as side into side. Area of rectangle, we write it as length into breadth. This is the breadth, this is the length.
Okay, so this is how we calculate the area of squares and rectangles. और unit क्या होती है? अगर आप कहीं length और breadth centimeter में दिए हुए हैं, so you will write centimeter square. अगर meter में है, so you will write meter square. Millimeter में है, तो millimeter square. It means कि आपकी हमेशा square unit लगती है in case of area. Area में हमेशा square units ही लगाए जाएंगे. But कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ स्क्वायर या रेक्टेंगल ना दिया जाए, लाइक आई टोल्ड यू इन केस ऑफ पेरीमीटर. पेरीमीटर में भी कोई कॉम्प्लेक्स फिगर, आपको कॉम्प्लेक्स शेप दिया जा सकता है. सिमिलरली आपको एरिया कैलकुलेट करने में भी कोई कॉम्प्लेक्स फिगर दिया जा सकता है और आपसे कहा जाए कि उसके अंदर का एनक्लोज्ड एरिया मींस द पोर्शन एनक्लोज्ड विद इन दैट. तो उसके अंदर का अगर आपको पोर्शन एनक्लोज्ड निकालना है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल स्प्लिट इट. स्प्लिट मतलब तोड़ देना. आप उस फिगर को तोड़ दोगे इनटू वन और मोर देन, मतलब आप चाहे वो स्क्वायर बन रहा हो या रेक्टेंगल बन रहा हो, आप रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स में उसको ब्रेक कर दोगे, स्प्लिट कर दोगे. आप अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे एरिया एंड फाइनली यू विल एड देम अप. जब आप एड कर देंगे देन यू विल गेट द एरिया ऑफ दैट कंप्लीट फिगर. नाउ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ डू वी स्प्लिट द फिगर. अब आप देख रहे हैं कि ये एक फिगर है, नीदर इट इज अ स्क्वायर नॉर इट इज अ रेक्टेंगल. अब इसको आप स्प्लिट करना है, ठीक. इसको आप किसी भी तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू. सपोज आप यहां से इसको आप ब्रेक करना चाहते हैं, एक ये रेक्टेंगल अलग हो गया, यू कैन नेम इट एज रेक्टेंगल ए. ओके, यहां से आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, ठीक, नेम इट एज रेक्टेंगल बी. एंड यहां पर भी एक रेक्टेंगल बच गया है, दैट इज रेक्टेंगल सी. ठीक, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी स्प्लिट कर सकते थे, यहां से कट करिए, यहां से कट करिए, दो छोटे रेक्टेंगल्स बन जाते और एक ये बड़ा रेक्टेंगल बच जाता. बट लेट मी टेल यू, यू विल गेट द सेम आंसर इन बोथ द केसेस. आप स्प्लिट किसी भी तरह से करें. सो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए पहले निकाल लेंगे. वॉट इट विल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. ये लेंथ कितनी होगी, अगर नीचे की ये फोर है दैट मीन्स इतनी ही ये भी है. सो फोर इंटू वन, लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 into 1, that is 4 centimeter square. Now area of rectangle B. Rectangle B के dimensions देख लेते हैं. ये 4 है और जिस तरह यहां पर ये 1 है तो ये भी 1 है. तो 4 into 1, again we get the same area, 4 centimeter square. Now let's calculate the area of rectangle C. Rectangle C के dimensions क्या है? Dimension, अब आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि ये क्या dimensions है. This whole length is 5 centimeter. अब ये वन है दैट मीन्स इतनी इधर वन निकल गई और इतनी इधर भी वन एक्सक्लूड हो गई. सो वन इधर हाउ मच इज लेफ्ट, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, फ्रॉम हेयर टिल हेयर वी हैव 3 सेंटीमीटर. ठीक है, होल 5 है, इधर वन दैट मीन्स दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर. और ये कितनी है, अगर ये 3 है, दिस होल इज 4 दैट मीन्स दिस इज 1. सो द डायमेंशंस आर 3 and 1. ठीक, सो हम लोग रेक्टेंगल सी का निकालेंगे एरिया 3 into 1, दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर. व्हाट विल बी, वी विल एड अप ऑल द एरियाज, 4 + 4 + 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इट विल बी, 4 + 4 = 8, 9, 10, 11. 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट फिगर. So this is how we split the figures and calculate the area. अलग अलग निकाल के हम लोग add कर देते हैं. So this is it. Your chapter is completed. I hope you have understood everything. आप लोग इसकी questions solve करने की कोशिश करिएगा. At least solve it on your own. If you don't get it, if you have any confusion, you can ask in the live class. The solutions will be provided on School Mitra app. You can download from there and complete your work. And do remember Sadhya ma'am's rule that maths comes by practice.